नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन की। 2024 28 जनवरी को बच्चों का एग्ज़ाम है और अभी अभी आरएमएस का पेपर हुआ है, तो पूरा एक महीने का समय है बच्चों के पास। और इस एक महीने के समय में एक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन की, जिसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करके बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स किए जा सकते हैं, ताकि बच्चों को एक कटिंग एज मिले और उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए और कहीं ना कहीं जो उनके ड्रीम्स हैं सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने के, वो ज़रूर पूरा हो। तो इसी के साथ हम आज एक वीडियो लाए हैं, एक कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो आइए इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है सूरज आर्या और मैं हूँ एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स को हमारे बारे में नहीं पता। देखिए, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी पिछले 7 सालों से बच्चों को आरएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है। और मैं अगर लास्ट ईयर की रिजल्ट की बात करूँ तो अराउंड 70% रिजल्ट हमें सैनिक स्कूल में मिला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल के लिए एक महीने का समय आपके पास पूरा बचा हुआ है और इस एक महीने में एक सिस्टमेटिक तैयारी हो सकती है, जो कि आपको किसी के गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगी। ओके, और उसी गाइडेंस को लेकर हम आए हैं बच्चों के पास। और कहीं ना कहीं हम लोग क्रैश कोर्स बच्चों के लिए लाए हैं। उस क्रैश कोर्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक तो देखिए, सबसे पहले तो जो सैनिक स्कूल का 1 मंथ का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है, इसमें दो प्लेटफॉर्म्स हम आपको देंगे। एक तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलता है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स बता देता हूँ। अगर आप हमारे पास ऑफलाइन एक मंथ के लिए आना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए की प्रिपरेशन के लिए, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, सारी सुविधाएं हैं जो एक बच्चे को चाहिए तैयारी करने के लिए। ओके, तो एक महीने के इस पीरियड में हम क्या क्या वैल्यू बच्चों को देंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को करवाना। क्योंकि देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, पूरा सिलेबस बच्चे को करवाना इस लास्ट 1 मंथ में एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बच्चे को सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कराना एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए सभी की इस एग्ज़ाम को लेकर। तो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया जाएगा सिलेबस में। ओके, और साथ ही साथ जो बच्चों के वीक पॉइंट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमें पता है, उन वीक एरियाज़ पे टारगेट किया जाएगा। ओके, तो अगर बच्चे का एक सिलेबस मोर देन 70% या 80% कवर हो जाए, तो साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ बच्चों की चलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मॉक टेस्ट सीरीज इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग बच्चों के साथ करेंगे, 10 मॉक टेस्ट बच्चों के साथ करेंगे बैक टू बैक, ताकि बच्चों को एक रियल टाइम सिनेरियो के बारे में मालूम चले, प्रैक्टिकली बच्चा देख लेके एग्ज़ाम में क्या एनवायरनमेंट रहता है। ओके, ताकि एग्ज़ाम के वक्त उसको प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाएगी, सबसे ज़्यादा लर्निंग बच्चों की इसी मॉक टेस्ट सीरीज़ में होगी, क्योंकि बच्चों को उसके सोल्यूशन भी दे जाएंगे। तो मैक्सिमम लर्निंग मॉक टेस्ट सीरीज से होने वाली है। ऑफलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ का ही है। कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सेस बहुत मिलता है टीचर्स का, तो बच्चे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वो जो एक्सेस मिलता है ऑफलाइन में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ के बाद। ओके, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी डाउट्स होंगे, एक एनालिसिस बच्चे का देखा जाएगा। ओके, और उन डाउट्स को बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, तो हमारा एक्सेस बच्चे को देखने को मिलेगा ऑफलाइन में। ओके, उसके अलावा एकेडमिक वैल्यूज़ तो हम बच्चों को दे रहे हैं, सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को तो हम लोग करवा ही रहे हैं, साथ में कुछ वैल्यूएबल टिप्स की भी बात करेंगे। क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे हम लोग एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन को करते हैं, मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, उस सभी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे फॉर सैनिक स्कूल एग्जाम। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में कवर करी जाएंगी और कहीं ना कहीं बच्चों को साइमल्टेनियसली मोटिवेट किया जाएगा, साइमल्टेनियसली उनकी जो मेंटल लेवल को है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको कंटेंट दिया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। ओके, जिसमें यू विल फाइंड ऑल द कंटेंट, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा वन टाइम, पूरा का पूरा सिलेबस। दूसरी बात यह है कि इसमें जो गाइडेंस है, ठीक है, वो टीचर्स के थ्रू दी जाएगी बच्चों को, टेलीफोनिकली बच्चों को बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या कैसे वो किसी भी वीडियो सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे वो अपने नोट्स बना सकते हैं, कैसे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, डाउट्स को हैंडल ऑनलाइन में भी किया जाएगा। डाउट्स के लिए एक स्पेसिफिक बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहां पर बच्चे अपने डाउट्स भेजेंगे और कहीं ना कहीं उन डाउट्स को हम लोग एज सुन एज पॉसिबल बच्चों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। टेलीफोनिकली बच्चों से बात करेंगे और अगर हमें लगा कि डाउट्स बहुत ज़्यादा है तो स्पेसिफिकली एक उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाएंगे ताकि मैक्सिमम डाउट्स को हम लोग बच्चों के रिजॉल्व कर पाएँ, उसको बेसिकली एंटरटेन कर पाएँ। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपके ऑनलाइन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट की PDF हम बच्चों को भेजेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए मॉक टेस्ट का प्रिंटआउट निकालें और बच्चों को फिर उस टाइम के अनुसार वो मॉक टेस्ट दिलवाएं, ओके। उस मॉक टेस्ट की जो OMR शीट होगी वो पेरेंट्स हमें भेजेंगे और हम उन्हें चेक करके देंगे, या बच्चों या हम पेरेंट्स को भी बेसिकली आंसर की भेज सकते हैं ताकि पेरेंट्स खुद एनालिसिस कर लें कि बच्चे के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ओके। जो ऑफलाइन में मॉक टेस्ट होंगे डेफिनेटली उनका एनालिसिस देखा जाएगा, पेरेंट्स को फीडबैक दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, ओके। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन में, आपको ये कुछ मेन डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं ऑफलाइन को फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा क्योंकि ऑफलाइन में मॉनिटरिंग टीचर्स के थ्रू होती है और कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा एक्सेस मिलता है टीचर से डाउट पूछने, ओके। तो इसलिए इसका नाम हमने अल्टीमेट क्रैश कोर्स रखा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम लोग सारे उस इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके थ्रू बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आते हैं प्राइस पर। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन की जो प्राइस है वो 16,000 है, ओके, फॉर 1 मंथ, और जो ऑनलाइन के प्राइस हैं वो हैं 2,999 फॉर 1 मंथ। लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक डिस्काउंट ला रहे हैं, बेसिकली बच्चों के डिमांड पर। बच्चों ने ही कहा था हमसे, काफ़ी कॉल्स हमारे पास आए और इसलिए हम लोग इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। बच्चों के डिमांड में ये जो 16,000 का कोर्स है वो आपको 10,000 का मिलेगा, बट दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। मैं बता दूँ पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर है, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ओके। एंड सेम गोज फॉर ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो। ऑनलाइन कोर्स में भी हम फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ये जो कोर्स है वो हम उनको देंगे 1500 का, ओके। 1500 का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, दिस ऑनलाइन कोर्स फॉर 1 मंथ, ओके। एंड दिस इज अगेन वैलिड फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले 50 बच्चों को हम ये ऑफर देंगे और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। पहले 50 बच्चे हैं, देखिए कम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि बच्चे लिमिटेड हों ताकि हम बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दे सकें, ओके। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये ऑफर अच्छा लगा होगा। 1 महीने का समय है, ओके, और बहुत कुछ इस 1 महीने में हो सकता है, ठीक है। सो यू शुड हैव दैट फर्म बिलीफ इन योर सेल्फ, ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स को हमारे बारे में नहीं पता। देखिए, डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी पिछले 7 सालों से बच्चों को RMC RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है, और मैं अगर लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करूँ तो अराउंड 70% रिजल्ट हमें सैनिक स्कूल में मिला था। मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं RMC की तैयारी करते हैं, तो ये जो सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं अभी RMC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुतों ने तो सैनिक स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया, ओके। एक ही स्टूडेंट है हमारा जिसने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ज्वाइन किया, प्रणव थापा उसका नाम है, ओके। अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो लास्ट में फाइनली आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल करें और कहीं ना कहीं जो आपका सपना है सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने का उसको पूरा करें। हम आपके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। एज अ टीचर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़रूर मैं बच्चों के लिए पूरा करूँगा। बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।